नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, यहां ड्रैगन फ्रूट आप देख रहे हो, इसको कटिंग से कैसे लगाते हैं इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, कटिंग लगाने की वीडियो शेयर करने के लिए आप ये जो कटिंग देख रहे हैं, इस कटिंग को मैंने इसमें से काट ली है। दो तीन दिन पहले इसको काटी है। दो तीन दिन तक काटने के बाद, दो तीन दिन के बाद छाए में रखें और इसके बाद इसको हम लोग लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हो, सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्स बना लेते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसमें ये खेत की सॉइल है जिसमें काऊ डंग थोड़े से मात्रे में 10-20% इसमें काऊ डंग है और खेत की सॉइल है। साथ ही आप यहाँ पर सैंड देख रहे हैं। सैंड और सॉइल दोनों बराबर मात्रा में मैं ली हूँ और इसको आपस में मिला लेते हैं। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक के पॉट लिए हैं जिसमें ड्रेनेज होल आप देखोगे, ढेर सारे ड्रेनेज होल इसमें बने रहते हैं, लेकिन सारा पानी निकल ना जाए इसके लिए मैंने ड्रेनेज होल पर थोड़े से नारियल के छिलके डाल दिए हैं। और यहाँ जो सॉइल मिक्स बनाई है इसको मैं इसमें भर दे रही हूँ। दोस्तों, आप यहाँ एक देख रहे होंगे, हल्की सी इसमें रूट निकली हुई है जो कि धूप लगने से सूख भी गई है, फिर भी मैं इसको लगा दे रही हूँ। और एक नन्हा सा कटिंग है, हाथ से इसमें पानी गीला किया है मैंने और हाथ से इसमें खोल करके 1 से 1.5 इंच इसको नीचे की तरफ डालकर दबा देनी है। दूसरी वाली कटिंग भी इसी तरह लेते हैं और इसका ये जो पोर्शन है कटा हुआ सूखा हुआ, इसको फिर होल करके इसमें लगा देते हैं और बगल की सॉइल को दबा देते हैं। ये रूट जैसा जो पोर्शन निकला है, बल्कि रूट ही है जो धूप में सूख गया है, इसको मैं नीचे करने की कोशिश करती हूँ। वैसे ये सूख गया है, नया रूट ही आएंगे वही काम आएगा। ये रूट ढंग के नहीं है, अगर आपके रूट अच्छे ढंग के निकले होंगे तो वो काम कर जाएंगे। इस तरह से इसको दबा देनी है, रूट हार्मोन वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। एक इंच 1.5 इंच के करीब इसको नीचे की तरफ डालना है। दोस्तों, अब मैंने लगा दी है, अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ और इसको अब छाए में रखना है। और जब इसमें फिर से ये लग जाएंगे फिर मैं आपको इसको शेयर कर दूंगी। दोस्तों, 45 दिन के बाद आप जो ड्रैगन फ्रूट का जो मैंने कटिंग लगाई थी इसको आप देख लें। यहाँ देखें, इसमें नन्हा सा आ रहा है, साथ ही यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि आ रहा है। अब इसको रूट भी निकाल कर देख लेते हैं कि रूट बने हैं क्या। 45 दिन हो गए हैं इसको, 45 दिन में इसके रूट बने हैं या केवल इसमें रूट बने हैं। ये देखिए रूट इसके, ये हैं इसके रूट, यहाँ रूट हैं और यहाँ पर ये अपनी टहनी दे रहा है। तो इस तरह से ये आसानी से, आपने देखा होगा मैंने इसे लगाकर आपको शेयर किया था, आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से आपको भी ड्रैगन फ्रूट का अगर कटिंग मिलता है तो लगा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं यही अपडेट के साथ इसको ड्रैगन फ्रूट को कैसे लगाएं कि वीडियो दे रही हूँ। अगर अच्छे लगे, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।